अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जल्दी से अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक कल मैं गई थी इम्तियाज़ पे ना, तो वहाँ पे मैंने सब्जियों वाले एरिया में सब्जियों के कुछ रेट जो हैं वो मेरे वीडियो ऐसे बनाई थी, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। तो आज मैं हमारे घर के करीब एक सब्जी वाला है, मैं उसके पास गई। मैंने बोला कि अंकल, ऐसे मैंने लेने तो आलू थे, लेकिन मैंने बोला कि अंकल ये जो गाजर है इसका आप क्या रेट दे रहे हैं? तो उसने बोला कि ये 200 रुपए किलो है, जबकि वहाँ पे 60-65 या कुछ इस तरह से थी। मैं मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो बनाया है, आगे चल के आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो 200 रुपए किलो, अगर 70 रुपए भी वहाँ पे गाजर लगाएं तो यहाँ पे 200 रुपए किलो। मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये लोग इस तरह क्यों करते हैं, इस तरह इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बस अपने रेट बना के अपना, अगर आप डिफेंस में दुकान ले रहे हैं, यहाँ पे सब्जी वाले अगर दुकान ले रहे हैं, उसका 50-60 हज़ार भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेंट दे रहे हैं, तो 50-60 हज़ार होता नहीं है। होता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20-25-30 तक होता है, उसमें भी ये लोग शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे कि साथ में सब्जी वाले को रख लिया तो ये शेयरिंग करके उसमें मैनेज कर लेते हैं। अगर आप जो रेट है वो ज़्यादा दे भी रहे हैं तो 10-20 रेट ज़्यादा दे दें। आप सोचिए, अगर 70 रुपये भी आप गाजर लगाएं, इम्तियाज़ में मिल रही है, तो यहाँ पे 200 रुपये ये लोग दे रहे हैं, तो ये लोग कितना नाजायज़ करें। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, बस यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। तो चलिए अब हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक जी। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू, और ये शुरू मैंने किया है इम्तियाज़ से। इम्तियाज़ पे ये बर्तनों वाला जो है रैक था, और इसकी मैंने वीडियो बना ली, बहुत प्यारे लग रहे थे, खूबसूरत लग रहे थे। और उसके बाद जी हम लोग चलते हैं सब्जियों की तरफ, क्योंकि मुझे घर के लिए लेनी थी थोड़ी सी सब्जियाँ। और ये प्याज जो है बहुत ही बड़े बड़े प्याज थे, लेकिन मुझे छोटे साइज़ के प्याज चाहिए थे, और मैंने फिर इसमें से चुन चुन के प्याज निकाले, और यहाँ से फिर मैंने एक एक चुन चुन के टमाटर निकाला। और मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी, कुछ मैंने मर्द हजरात देखे थे वहाँ पे जी, वो सब्जियाँ ले रहे थे, और इस उनका सब्ज़ी लेने का तरीका ये था कि एक एक चीज़ देख के डाल रहे थे। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि मर्दों में भी ये चीज़ है, कि वो कुछ मर्द जो है उनको सब्ज़ी लेने का पता है, तो वो एक एक चीज़ जो है देख के छांटी करके और सही सही निकाल के वो ले रहे थे। तो जी आज हम बना रहे हैं हलवा, और हलवा हम बना रहे हैं बच्चों को बांटने के लिए। बाहर जो है अब्दुल्ला शाह गाजी के पास, अगर आप कोई चीज़ बना के और इस तरह से ले जाते हैं तो बड़े अच्छा होता है, कि वहाँ पे जो भी फुटपाथ पे लोग रह रहे होते हैं और जो भी रक्शे वाले होते हैं या मज़दूर होते हैं, उनको जो है तकसीम कर देते, बड़े दिल को सुकून मिलता है, और इस तरीके से करना चाहिए। तो काफ़ी अरसा ही गुज़र गया था मैंने, वैसे तो ये है कि हर किसी का एक अलग होता है अंदाज़। कुछ लोग पैसे दे देते हैं कि किसी को ज़रूरत है, पैसे दे दिए और ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ये मैं पहले करती थी, 2-3 साल पहले मैं ये करती थी कि घर पे अपने हाथ से कोई चीज़ बना के और इस तरह से बांटती थी, और मुझे काफ़ी साल हो गए थे मैंने ये नहीं किया था। तो इस बार मैंने सोचा कि ये करते हैं कि हलवा बनाते हैं, और साथ में नान मंगवा के ना, नान जो है वो नान के ऊपर हलवा रख के और उसके पैकेट बना के वो इंशाल्लाह बांटने थे। और उसके लिए मैं 1 किलो सूजी मैंने ली है, और सूजी को मैंने छान लिया, मोटी छन्नी थी, लेकिन उसके बाद मैंने फिर इसको चेक कर लिया था हाथ पे रख के कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि सूजी पुरानी होती है तो उसमें कीड़ा भी होता है, तो अच्छे से मैंने चेक कर ली थी और साफ़ सुथरे तरीके से छान लिया। और इसको 1 केजी का जो है मैं हलवा बना रही हूँ। 1 किलो ये सूजी है, तो इसका जो है हमें 1 किलो ही चीनी चाहिए होगी। उसकी चाशनी बनाते हैं अलग से पानी में डाल के चीनी को, और वो मैंने चढ़ा दी है ऊपर। 4 किलो पानी लिया है मैंने 1 किलो सूजी के लिए, और पानी कम भी रख सकते हैं आप, 3 किलो भी ले सकती थी मैं, लेकिन मैंने 4 किलो पानी लिया ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। और इसमें इलायची डाल दी है, और 1 किलो जो है वो चीनी का पैकेट मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको एक अलग सिलेंडर पे मैंने जो है पकने के लिए चढ़ा दी है। और उसके बाद दूसरा जो मेरा सिलेंडर है ना, उस पर मैं आराम से जो है सूजी को अच्छे से ब्राउन कर लूँगी तेल में। अच्छा, यहाँ पे मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई है कि जो मैंने
आगे चल के आपको बताती हूँ कि क्या मिस्टेक हुई है। उससे पहले आप ये देख लें कि ये मैं जो है ना क्या कहते हैं, ये गरी जो है ना इसको मैंने भिगो दिया था, क्योंकि अक्सर इस पे ऊपर ना थोड़ी हल्की हल्की मैल लगी होती है, तो वो मैंने छुरी की मदद से जब ये नरम हो गई तो मैंने इसको ना उतार दिया था। और जो किशमिश है उसको भी मैंने भिगो के रखा हुआ है ताकि कोई मिट्टी वगैरह हो तो वो निकल जाए। इसको मैंने बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया है, और ये पूरा एक जो है खोपरा जो है इसमें पूरा मैं डाल दूँगी बारीक बारीक काट के ना। अच्छा जी, उसके बाद ये काट लिया है, और उसके बाद मैं सूजी जो है उसको मैंने बड़ा खुला पतीला लिया है। और सूजी जब भी आप बनाएं कोशिश करें कि खुले बर्तन में बनाएं, क्योंकि उसने फूलना होता है, तो वो इस उसके लिए हमें बड़ा बर्तन ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तेल, आप इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा कम ही लिया था, 1.5 पाव तक घी ऑयल डाला था इसमें। और यहाँ पे ना मुझे घी को गर्म करके ना इसमें इलायची डालनी थी, और इलायची को थोड़ा सा वो करना था, लेकिन मैंने इसमें जो है वो डाल दी सूजी। अच्छा, इलायची तो वैसे मैंने पानी में भी डाल दी है, लेकिन ये यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि मुझे वो ना गरम तेल में जो है ना वो इलायची को थोड़ा सा वो करना चाहिए था ताकि फ्लेवर अच्छे से निकल आता इलायची का। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इस पॉइंट पे आके इसमें इलायची डाल दूँगी 2-4, ताकि सूजी के साथ वो भी भुन जाए। और सूजी को जो है ना ब्राउन करना जो है ना वो ये है कि आपको कंटिन्यू बैठ के आराम से इसको चम्मच चलाते रहना होगा, कम से कम 20 मिनट तो कम से कम इसको करना पड़ेगा इसका कलर चेंज होने तक। तो मैंने कुर्सी रख ली थी और मैं आराम से जो है ना बैठ के मैं इसको जो है ना वो कर रही थी, भून रही थी। है नॉर्मल, मतलब इसका जो चूल्हे की आंच है उसको नॉर्मल रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम टू लो रखना है। और उस पे हमने इसको 20 मिनट तक जो है ना इसका कलर चेंज होने तक कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा जल गया तो इसका जो है जायका ख़राब हो जाएगा। तो कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। और उधर चाशनी जो है वो पक रही थी, जब तक ये ब्राउन होगा तब तक उसमें बॉईल आ जाएगा और चीनी भी अच्छे से हल हो जाएगी। तो जी ये अच्छे से इस पॉइंट पे जो है ना मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा इसको हिला के अच्छे से, तकरीबन इसका कलर चेंज हो गया था। और ये जो गरी और ये किशमिश है ना मैं इसमें यही डालूँगी, बाकी ड्राई फ्रूट मेरे ख़त्म हुए थे, वो मैं एम्प्रेस मार्केट से लाती हूँ। किसी दिन वहाँ की वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी, ड्राई फ्रूट वहाँ से अच्छे मिल जाते हैं, अच्छे मुनासिब रेट में मिलते हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो है ना, अच्छा यहाँ पे आपने अगर चाशनी जब डालनी है ना इस गरम गरम सूजी में, क्योंकि इसका भी नीचे से चूल्हा जल रहा है, तो इसको बड़े ही ध्यान से डालनी है और कोशिश करना है कि डालते साथ जो है ना इसको हिलाए। लेकिन मैं जो है वो बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल गर्म पानी था और ये मेरा चम्मच छोटा था और ये भी ऊपर से गर्म हो गया था, फिर मैंने कपड़े से इसको पकड़ा और मैंने इसको फ़ौरन से पहले जो है ना हिलाना शुरू कर दिया। अच्छा, 1 से 2 मिनट में ये जो है ना गाढ़ा हो जाएगा, और इसको फिर गाढ़ा होने के बाद भी थोड़ा सा इसको पकाना ज़रूरी है। अगर आप पानी कम डालते हैं तो सूजी इतनी फूलती नहीं है, लेकिन अगर आपका बर्तन भी खुला हो और पानी भी आप मतलब जो इसका सही जो है ना वो अम्मी मेरी बोलती हैं कि अगर 1 किलो सूजी है ना तो उसमें 4 किलो पानी डालें, क्योंकि सूजी फिर अच्छे से फूल जाती है। ये देख रहे हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। आई होप जी आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें। और ये देखें ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा ना, ये बाहर जो है ना इसके छींटे आ रहे थे हल्के हल्के, मुझे डर लग रहा था, और मैंने फिर प्लेट पकड़ी और उसको जो है ना ऐसे करके रख लिया ताकि छींटे मेरी तरफ ना आए। लेकिन इसको पकाना तो है, इसको मज़ीद और पकाना है 1 से 2 मिनट, कंटिन्यू इसको हिलाना है ताकि नीचे से लगे ना। अब मैंने नान का जो है वो ऑर्डर दे दिया था, नान मंगवा लिए थे, तकरीबन 50 नान थे, और 50 नान के लिए ना ये हलवा काफ़ी था।
मैंने मतलब 1 किलो सूजी का हलवा, और ये बिल्कुल माशाल्लाह पूरा हो गया था, बल्कि थोड़ा सा बच गया था, वो मैंने घर पे रख लिया था। मैंने कहा वो जो हेल्पर आती है उसको भी दूंगी, और मैंने बाकी सारे जो हैं पैकेट बना दिए थे, और वो फिर जाके ना बांट भी दिए थे। थोड़ा शाम हो गई थी, हलवा थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप जो है ना गरम गरम जो है वो बना के जो है वो करें, ताकि जिनको मिले वो गरम गरम खाएं। अपने हाथ से चीज़ अगर आप बना के बांटते हैं ना, तो उसका एक आपके दिल को सुकून एक अलग ही मिलता है। तो जी ये देखें माशाल्लाह हलवा बिल्कुल तैयार हो गया, और मीठा भी इसमें मुनासिब डाला था। अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी मीठा करना चाहे ना, जैसे मैंने 1 किलो चीनी डाली है, तो आप मतलब 1 पाव और बढ़ा भी सकते हैं इसमें, तो वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो ये नॉर्मल मीठा था। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।